तो भारत का जीत से आगाज हुआ है 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में। वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने अपने अभियान का आगाज जीत से किया। आईसीसी वर्ल्ड कप में 2023 में जीत से आगाज हुआ है टीम इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी है टीम इंडिया ने। 199 रन का लक्ष्य, 199 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने और 6 विकेट से भारत ने शानदार जीत दर्ज की। विराट कोहली और केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। केएल राहुल शतक से चूके, 3 रन चूके, 97 रन की पारी खेली, लेकिन यह पारी शतक से कम नहीं। विराट कोहली भी 85 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे, लेकिन उनकी ये इनिंग, उनकी ये पारी किसी शतक से कम नहीं है, क्योंकि एक समय था जब स्कोर था 3 विकेट गिर चुके थे बहुत जल्द, तब उन्होंने पारी को संभाला। विराट कोहली और केएल राहुल जीत के हीरो रहे, शानदार बल्लेबाजी, संयम दिखाया, पेशेंस से खेले। विराट कोहली के एक शॉट को छोड़ दिया जाए तो दोनों ने एक भी गलत शॉट नहीं लगाया। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। शुरुआत में जब 3 झटके लगे उसके बाद लग रहा था कि क्या होगा, सभी की धड़कनें थम गई थी, सांसें थम गई थी, धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन चेज मास्टर विराट कोहली को ऐसे ही नहीं कहा जाता। अच्छा, बहुत अच्छा के कोहली 90 रन तमिल। जिस तरीके क्रिकेट फैंस का रिएक्शन देखिए, सभी एक्साइट हुए हैं, उत्साहित हैं। जीत को उम्मीद सभी लगाए बैठे थे, लेकिन जिस तरीके से same happened here also. We thought, you know, we are in the same situation. But these guys, KL Rahul and, you know, Virat Kohli, they stood out and, you know, they performed brilliantly. So both of them really, you know, played fantastically. And Virat missed his century. You feel bad for him, Virat missed his century. No, it's okay. At the end of the day, you know, we are winning. It doesn't matter. You know, personal milestone doesn't matter. Both of them played really well, 85 and 97 not out. So, yeah. तो शानदार बल्लेबाजी विराट कोहली और केएल राहुल की तरफ से, जीत के हीरो रहे दोनों। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद पारी को संभाला, सिंगल डबल खेले, एक भी रिस्की शॉट यहां पर नहीं। चलिए राजधानी भोपाल में क्या कुछ रिएक्शन है क्रिकेट फैंस का, वो हम जानेंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वासु जुड़ गए हैं। वासु, शुरुआती झटके लगने के बाद सभी की धड़कनें तेज हो गई थी, सांसें थम गई थी, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, दोनों ही जीत के हीरो। काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है, 97 रनों की पारी खेली। 2011 का आप मुकाबला याद कर लीजिए, वर्ल्ड कप फाइनल, महेंद्र सिंह धोनी ने 97 रन बनाए थे और इंडिया को जीत दिलाई थी, और उतने ही महत्वपूर्ण 97 रन 2023 के
वर्ल्ड कप के आगाज के पहले मैच में केएल राहुल ने अपने बल्ले से करके दिखाए हैं। और एक और सिमिलैरिटी आपको बता दूं, धोनी भी विकेट कीपर थे और राहुल भी विकेट कीपर है, तो आज का एक जो मैच था वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था, बड़ा मुकाबला था, बड़ी टीम के साथ जो बड़े दावेदारों में जिसकी गिनती है ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ ये मुकाबला हुआ था और भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। नो डाउट फील्डिंग बहुत अच्छी रही, बॉलिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन टॉप ऑर्डर ने थोड़ा सा निराश किया। ईशान किशन युवा बल्लेबाज, उनसे उम्मीदें थी, राहुल रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें थी, अक्सर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं चला। श्रेयस अय्यर कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया ने साबित करके बताया कि अगर शुरुआत में भी प्रेशर बन जाए तो भी हम ऐसा नहीं है कि मैच लूज कर जाएंगे। राहुल ने और विराट कोहली ने क्या गजब की बल्लेबाजी की है और इंडिया को ना सिर्फ मैच में वापस लेकर आए बल्कि बड़ी जीत भी इंडिया के नाम दर्ज कराई है। फैंस क्रिकेट के हमारे साथ मौजूद हैं, कितनी खुशी हो रही है इंडिया मैच जीत गया पहला मैच? अभी तो ये शुरुआत है, आगे भी निश्चित हम और जो वर्ल्ड कप हमारा होने वाला है उसमें और बहुत ही प्रचंड से हम भारत का विजय तिरंगा हम वहाँ पे फहराएंगे।